हेलो फ्रेंड्स, सुनीता मोहन्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब दूध फट जाता है तो उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। दूध जब फट जाता है तो कुछ इस तरह से दिखता है। इस दूध को हम पहले लो हीट पर हल्का सा गर्म कर लेंगे। दूध जब हल्का सा गर्म हो जाए तब इसमें हम थोड़ा सा विनीगर या फिर नींबू का रस डालकर इसे हम अच्छे से फाड़ लेंगे। विनीगर या नींबू का रस हम हल्का सा डालेंगे। ज़्यादा डालने से दूध जो है वो काफ़ी खट्टा हो जाएगा, क्योंकि फटा दूध जो है वो पहले से ही थोड़ा खट्टा रहता है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए, दूध जो है वो अच्छे से फट गया है। एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसके ऊपर हम सूती या मलमल का कपड़ा अच्छे से बिछा देंगे। फिर उसके ऊपर हम फटे हुए दूध को डालेंगे। कपड़े को चारों तरफ से पकड़कर हल्का सा दबाते हुए एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हम फटे हुए दूध से छेना तैयार कर सकते हैं। इस छेने से हम कलाकंद, बर्फ़ी, लड्डू या फिर पराठे का स्टफिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि बर्फ़ी या लड्डू हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, इस छेने से हम बर्फ़ी या लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे और इसमें हम छेना को रखेंगे। छेना को हम हल्के हाथों से मसल लेंगे। अब हम इसमें हाफ कप ड्राई मिल्क पाउडर और हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हम थोड़ा मिला लेंगे। अब हम इसमें हाफ कप मिल्क डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल देने से बर्फ़ी या लड्डू का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर इसमें आप मावा या कॉन्डेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा चीनी भी डाल देंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम एक पैन को लो हीट पर गर्म करेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून घी डालेंगे और जब घी गर्म हो जाए तब हम इस मिक्सचर को पैन में डालेंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए मीडियम से लो हीट पर इसे हम पकाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा ड्राई कोकोनट पाउडर भी ऐड कर देंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसमें बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। बर्फ़ी या कलाकंद को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है। यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इसी तरह से हम मिक्सर को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। लगातार इसे हम चलाते रहेंगे। अगर आपको पसंद है तो अभी इसमें आप थोड़ा सा कॉन्डेंस मिल्क या फिर मावा ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, मिक्सर जो है हमारा तैयार हो गया है। अब हम हीट को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस मिक्सर से हम लड्डू और बर्फ़ी दोनों बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे लड्डू कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सर जो है हाथ में लेंगे और इससे हम अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा साइज़ का लड्डू बना लेंगे। ड्राई कोकोनट पाउडर से इसे हम अच्छे से कोट कर लेंगे। गार्निशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर टूटी फ्रूटी लिया है। इसकी जगह आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। मिक्सर जब हल्का सा गर्म रहता है तभी हम लड्डू बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यह बहुत ही जल्दी ड्राई होने लगता है। बचे हुए मिक्सर से हम बर्फ़ी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ट्रे में एल्युमिनियम फॉइल बिछा दिया है। इसके अंदर हम मिक्सर को डालकर हल्का सा दबाते हुए इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। मिक्सर अगर ठंडा हो गया है तो इसे हम फिर से एक बार हल्का सा गर्म करके उसके बाद हम ट्रे में डालेंगे, जिससे यह आसानी से सेट हो जाएगा। मिक्सर जो है अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी लिया है। इसकी जगह आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम एल्युमिनियम फॉइल को निकाल लेंगे और इससे हम अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा साइज़ का बर्फ़ी निकाल लेंगे। ये देखिए, फटे हुए दूध से हमारा स्वादिष्ट बर्फ़ी तैयार है। इसे हम फ्रिज में रखकर 1 वीक तक आराम से खा सकते हैं। आप इस तरह की बर्फ़ी फटे हुए दूध के छेना या नॉर्मल दूध के छेना से भी तैयार कर सकते हैं।
आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए, और भी रेसिपी के लिए नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।